अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ज़र्दा। इसके लिए हमने चावल लिए हैं एक प्याली फुल भर के। इसको हमने भगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। अब इसको हमने बॉईल करना है 3 गुना पानी में। उबलते हुए पानी में हमने ज़र्दा रंग डालना है 1 चुटकी। अब इसके अंदर जो हमने चावल भगो के रखे हुए थे वो डालने हैं। इसको हमने पकाना है 5 से 7 मिनट तक। इसको हमने कुक होने देना है। 60% हमने चावल पकाना है, यानी कि इसमें कनी हो, 2 गुना इसमें कनी हो। अब हमने 3 रंग ले लिए हैं। एक हमने पिंक, एक हमने लिया है ऑरेंज और एक हमने लिया है ग्रीन कलर। ये हमने एक एक चुटकी लिया है। थोड़ा सा नारियल कट कर दिए, इसमें मेवा भी ऐड करते हैं। 4 इलायची हमने इसमें डाली। चीनी हमने डालनी है, 1 प्याली हमारे चावल हैं तो उससे थोड़ा कम चीनी। अब इसके अंदर हमने चीनी डाल के उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच मक्खन ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, मक्खन की जगह आप बाद में मलाई भी डाल सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी के। इलायची डाली है, दो बड़े चम्मच भर के हमने घी डाला है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने चास बनने देना है। चीनी जब पकने लग जाए ना, चीनी का जो पानी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, तो हमने इसके अंदर फिर हमें चावल ऐड करने हैं। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। इसके बाद हमने जो चावल बॉयल किए थे उसका पानी निकाल के रख लिया था, ये चावल इसके अंदर ऐड कर दिए। थोड़ा सा नारियल, इसके अंदर मेवा किशमिश कहते हैं जिसे, वो डाला। बादाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम, काजू भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, अपनी पसंद है। अब हमने थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे इसको हमने इसका पानी सुखाना है। पानी जब खुश्क हो जाए, हल्का सा बस हो, तो इसके अंदर हमने कलर्स ऐड कर देने हैं। एक एक चम्मच पानी में हमने इनको मिक्स किया है। इसके अंदर बारीक बारीक अंडे काट के वो भी डाले जा सकते हैं। ये हमने बिल्कुल सादा बनाया है पंजाबी स्टाइल में। ड्राई फ्रूट्स में आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप इसके अंदर ऐड करना चाहें करें। देखिए बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा बनके तैयार है। खाएं, एंजॉय करें, बताएं। अल्लाह हाफिज़।